नमस्कार, मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। थाना हतमतौला पुलिस को मिली सफलता, हत्या के मामले में वंचित चल रहे चार आरोपियों को किया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामद। एसपी बेस सत्यजीत गुप्ता ने किया खुलासा, टीम में इंस्पेक्टर अनु सैनी, एसआई अवनीश त्यागी शामिल रहे। आप देख रहे हैं संवाददाता अभय शर्मा के साथ कपिल चौरसिया की रिपोर्ट। दिनांक 8 सितंबर 2021 को थाना क्षेत्र एतमादपुर में एक घटना हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर मालूम चला कि एक व्यक्ति जो बाइक से जा रहा था, इसका बाद में नाम मालूम चला राम बाबू है, इसको अज्ञात लोगों ने गोली मार के वहां से फरार हो गए। तत्काल इसको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर डॉक्टर्स ने इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया। मृतका की लड़की ने फिर एक मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें 6 लोग को नेम्ड किया, जिसमें महेंद्र है, हुकुम सिंह है और हुकुम सिंह के 4 लड़के हैं। उसके बाद पुलिस पूरी जांच में जुट गई। इनका पुराना आपराधिक इतिहास क्या है, पुराना रंजिश क्या है, उसके संबंध में जानकारी की, इनके CDR का एनालिसिस किया, तो चीज़ें एक के बाद एक खुलना स्टार्ट हुई। इसके बाद आज जो थाना एतमादपुर की टीम है, CO एतमादपुर के निर्देशन में आज इन्होंने जो इस पूरी घटना में शामिल एक्यूज थे उसमें से 4 लोगों को पकड़ा है। उसमें से हुकुम सिंह के 2 लड़के जय किशोर और नवल किशोर, ये पकड़े गए हैं, और इसके अलावा एक रामू भी पकड़ा गया है। जब हमने इससे पूछताछ की तो पूछताछ में ये मालूम चला है कि 2019 में एक हत्या हुई थी थाना क्षेत्र खंदौली में, जिसमें नवल किशोर के भाई की हत्या हुई थी, और नवल किशोर के उसके जिसकी हत्या हुई थी उसके साले ने ही वो हत्या करवाई थी। नवल किशोर ने यही बताया कि मुझे ये भी मालूम चला था कि उसमें राम बाबू का भी रोल था, तो पहली वजह उसने ये बताई राम बाबू को मारने की। इसके अलावा उसने ये बताया कि राम बाबू की जो 2 लड़कियाँ हैं, हुकुम सिंह के 2 लड़कों के साथ ब्याही हुई हैं, और इन दोनों भाइयों ने तकरीबन 4 से 5 साल पहले ही छोड़ दिया था, जिसका न्यायालय में इसके पिता यानी राम बाबू ने मुकदमा दहेज संबंधी धाराओं में मुकदमा भी कर रखा था, वो मुकदमा विचाराधीन है, चल रहा था।